चारों सूबों में घूमने वाली ट्रेन से 28 सितंबर 2023 को हम आए थे 39 अब जाफर एक्सप्रेस पे और आज उसी ट्रेन पे वापस जा रहे हैं जो कि 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस। मेरा लोकोमोटिव है 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस के साथ ट्रेन और कंटेनर ट्रेन। हम फिराबाद जंक्शन से चलने के बाद अब हमारी ट्रेन पहला स्टॉप करने जा रही है जो कि गुजरहान रेलवे स्टेशन है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं करता हूँ आप हैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज तारीख है 29 सितंबर 2023 और दिन है आज मतलब मुबारक का। तो अभी हम जिस रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं ये है रावलपिंडी सिटी का सदर रोड, यानी इसको सदर रोड के नाम से जाना जाता है। और अभी हम मौजूद भी हैं एक रक्शा में जो कि हमको रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की तरफ लेकर जा रहा है। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर हम इसलिए जा रहे हैं कि आज हमने वहां से पकड़नी है ट्रेन जो कि 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस है। देखते हैं कि वो रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है कि नहीं। सामने आपको रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की मेन स्टेशन बिल्डिंग भी नज़र आ रही होगी। अब देखते हैं कि हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ है कि नहीं अभी। तो दोस्तों रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर एक बहुत ही यूनिक चीज़ भी मौजूद है, एक स्टीम इंजन जो बोस्तान सेक्शन पर चलने वाला एक स्टीम इंजन जिसका मॉडल है 203 और ये है इसका तारीखी हक़ा। आप वीडियो पॉज कर पढ़ सकते हैं। यह लोकोमोटिव जो फोर्ट बोस्तान के सेक्शन पर चलता था और ये इस तरफ मौजूद है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। और ये है टिकट का, जहाँ से हम टिकट लेंगे 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस के लिए इकोनॉमी क्लास का। तो दोस्तों ये है फेयर टेबल रावलपिंडी से लेकर कराची तक का, जिसमें ट्रेन के किराए लिखे हुए हैं और ट्रेन के औकात लिखे हुए हैं और नाम भी हैं ट्रेन के। तो दोस्तों आज हमारा जिस ट्रेन में सफ़र होने वाला है वो है पाकिस्तान रेलवे की चारों सूबों में घूमने वाली ट्रेन। चारों सूबों में घूमने वाली ट्रेन से आप समझ गए होंगे कि कौन सी ट्रेन है। तो दोस्तों आज हम ट्रैवल करने जा रहे हैं पिशावर और कोयटा के दरमियान चलने वाली 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस में, जो कुछ ही देर में अप्रोच करेगी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर। कल 28 सितंबर 2023 को हम आए थे 39 अब जाफर एक्सप्रेस पे और आज उसी ट्रेन पे वापस जा रहे हैं जो कि 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस है रावलपिंडी से लेकर वज़ीराबाद जंक्शन तक। अभी ट्रेन के आने में कुछ वक्त बाकी है, तब तक रावलपिंडी रेलवे स्टेशन देखते हैं और इसका यार्ड। कल वैसे ZCU-26410 गया था पिशावर तक, देखते हैं कि कहीं लोकोमोटिव वापस आता है कि नहीं। कल 39 अब जाफर एक्सप्रेस की लीड के साथ पिशावर तक गया था ZCU-26410
और आज 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस के साथ देखते हैं कौन सा लोकोमोटिव आता है, वही आता है या कोई और। ये है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का कुछ व्यू, और आज हमारा सफ़र भी इकॉनमी क्लास में होगा। इकॉनमी क्लास का फेयर है रावलपिंडी से लेकर जिनाबाद जंक्शन तक 700 रुपये, जबकि बर्थ के साथ इसका फेयर है 750 रुपये। ये रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की अप साइड है यानी टूवर्ड्स पिशावर, और ये रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की डाउन साइड है यानी टूवर्ड्स लाहौर हानेवर और कराची साइड। हमारी ट्रेन जो 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस आएगी वो रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 20 मिनट के करीब रुकेगी। 20 मिनट में इस ट्रेन में पानी भरा जाएगा और इस ट्रेन का क्रू चेंज होगा, ड्राइवर्स और असिस्टेंट ड्राइवर भी इस ट्रेन के चेंज होंगे। वो जाफर एक्सप्रेस के लिए सिग्नल डाउन हो चुका है, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो, अगर आपको कैमरे में दिखाई आ रहा है तो जाफर एक्सप्रेस के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 का सिग्नल डाउन हो चुका है, तो वो कुछ ही देर में अप्रोच करेगी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर। जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान रेल, तो दोस्तों आपने अनाउंसमेंट सुन ही ली है 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस की। तो मैं बोल रहा था जाफर एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है जो पाकिस्तान रेलवे के चारों सूबे में घूमती है। ये अपना सफ़र सुबह 7 बजे स्टार्ट करती है खैबर पख्तूनख्वा से, और खैबर पख्तूनख्वा से जो इसका स्टेशन है वो है पिशावर कैंट रेलवे स्टेशन, और पिशावर से ये फिर दाखिल होती है पंजाब में अटक ब्रिज के मुकाम पर, और पंजाब में ये फिर अपना सफ़र जारी रखती है रोड़ी जंक्शन तक, और रोड़ी से और मैं बोल रहा था कि ये सादकाबाद रेलवे स्टेशन तक पंजाब में ही रहती है, और फिर सादकाबाद रेलवे स्टेशन से ये फिर दाखिल हो जाती है सुबह सिंध में, और सुबह सिंध में ये अपना सफ़र करती है जकबाबाद तक। जकबाबाद के बाद ये फिर अपना अगला सफ़र जो करती है वो पाकिस्तान रेलवे का सुबह बलूचिस्तान है, जो कि इसका आखिरी सुबह होता है और इसकी आखिरी मंजिल भी होती है जाफर एक्सप्रेस की। इस तरह ये ट्रेन अपना सफ़र स्टार्ट करती है पिशावर से लेकर कोयटा तक, और ये पाकिस्तान रेलवे पाकिस्तान के चारों सूबों में घूमती है। अभी जाफर एक्सप्रेस की अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो नीचे चलते हैं और उसको कैप्चर करते हैं जब वो आती है। और जाफर एक्सप्रेस ZCU20 लोकोमोटिव के साथ ही अप्रोच कर रही है, अब देखते हैं कि इसका नंबर क्या है। जो कल ZCU20 आया था उसका नंबर था 6410, आज इसका देखते हैं कि क्या नंबर है। मुझे लगता है इसका नंबर भी वही होगा 6410। करीब आती है तो देखते हैं कौन सा लोकोमोटिव है आज इसकी लीड पर। तो दोस्तों वही लोकोमोटिव है जो कल हमारी ट्रेन के साथ आया था, ZCU20 6410 लोकोमोटिव, आज भी 6410 लोकोमोटिव है 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस के साथ। यहां पर ट्रेन का क्रू भी चेंज होगा। मैं आपको ट्रेन के क्रू चेंजिंग की वीडियो दिखाता हूँ।
और ये लगी वैन बीच में आ गए, लेकिन अगर ये ना होती तो आज बहुत अच्छा साउंड सुनने को मिलता, दैट्स ही जो 20 लोकोमोटिव था, लेकिन आज ये लगी वैन बीच में आ गई। लोकोमोटिव यहाँ पर डिटैच नहीं होगा क्योंकि जो पेशावर से आया था वही लेकर जाएगा रावलपिंडी तक, और फिर रावलपिंडी से लेकर जाएगा लाहौर तक। और ये है आज की हमारी को जो के ब्रेक वैन है। तो दोस्तों सामने से एक ट्रेन अप्रोच भी कर रही है, देखते हैं ये कौन सी ट्रेन है। नज़दीक आती है तो देखते हैं ये कौन सी ट्रेन है आज। आज तो ZCU 26410 फुल जोर लगा रहा है। तो दोस्तों मैं जिस ट्रेन की बात कर रहा था वो एक ऑयल ट्रेन है जिसकी लीड पर ZCU 20 लोकोमोटिव लगा हुआ है। ऑयल ट्रेन और फ्रेट ट्रेन और कंटेनर ट्रेन मिक्स ट्रेन है। ये तो लगेज वैन काट दी गई है जाफर एक्सप्रेस के साथ से, देखते हैं क्या होता है। अगर लगेज वैन निकल गई तो फिर तो मज़ा आ जाएगा ZCU 20 के पीछे सफ़र करने का। अब देखते हैं क्या होता है। और वो एक ZCU 26401 के साथ अप्रोच कर रही है एक नन्नी मुन्नी सी फ्रेट ट्रेन। और ये एक पावर वैन भी डैमेज खड़ी हुई है। ये आई है 6401 के साथ एक ऑयल ट्रेन और कंटेनर ट्रेन। ले जी लोकोमोटिव को काट कर आगे चला गया लगेज वैन को लेकर। अब देखते हैं कि यही लोकोमोटिव वापस आता है या कोई और लोकोमोटिव। ये जा रहा है लगेज वैन को लेकर ZCU 26410 लोकोमोटिव। अब देखते हैं कि ये वापस आता है या कोई और लोकोमोटिव आता है इसके साथ। तो दोस्तों वही लोकोमोटिव वापस आ रहा है जो आगे गया था ZCU 26410 लोकोमोटिव। अब ये आके ट्रेन के साथ अटैच होगा। तो दोस्तों जो कल लोकोमोटिव लाहौर से लेकर अब पेशावर तक आया था आज वही लोकोमोटिव पेशावर से लेकर लाहौर तक जाएगा। अभी कपलिंग देखते हैं ZCU 26410 की 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस के रेल के साथ।
बहुत मज़ा आने वाला है ZCU 26410 के पीछे सफ़र करने का। और ये खड़ी है हमारी ट्रेन 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस। लोकोमोटिव को कपल कर दिया गया है ट्रेन के रेक से। अब चलते हैं अपनी कोच में और अपनी सीट पर जाकर बैठते हैं। दोस्तों सिग्नल हमारी ट्रेन का हो चुका है, तो वो अब कुछ ही देर में बना होगी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से। इसका चकिंग साउंड मुझे बहुत पसंद है, इसलिए ये मेरा फेवरेट लोकोमोटिव है। तो दोस्तों डिपार्चर मिसल हो रहा है, हो चुका है, तो अब ट्रेन रवाना हो रही है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से। दोस्तों टाइम हुआ है अभी 11:05 और हमारी ट्रेन रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है। देखते हैं कि दिनाबाद जंक्शन कब पहुंचती है। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का हरा भरा यार्ड। यह सिग्नल कंट्रोल कैबिन जो के 1949 में बना था। हाला
हम जीरमबाग जंक्शन से रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर भी इसी ट्रेन से आए थे और आज हम रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से जीरमबाग जंक्शन तक भी इसी ट्रेन पर जाएंगे। हमारी ट्रेन चकलाला रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है, यहाँ पर इसका स्टॉप नहीं है, ये टू जाएगी स्लो स्पीड में।
पास थ्रू हो रही है सिखाला रेलवे स्टेशन से। दोस्तों मुंद्रा रेलवे स्टेशन पर हमारा क्रॉस हुआ है 101 अब सुबह रफ्तार रेल कार से जो कि सुबह 7 बजे की लाहौर से निकली हुई है। ये लूपी क्रॉस होगा 101 अब सुबह रफ्तार रेल कार के लीड पर GT20 लोकोमोटिव लगा हुआ है। रेल कार के पीछे पीछे है 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस अब उससे के साथ देखते हैं कि कहां पर हमारी मुलाकात होती है। था मंद्रा रेलवे स्टेशन लेकिन ये मंद्रा नहीं कल्याण मान रेलवे स्टेशन है जहाँ पर हमारी मुलाकात हुई है 101 अब सुबह रफ्तार रेल कार से। वो कल्याण मान के आउटर पर रुकी हुई है हमारी ट्रेन की और हमारी ट्रेन का वेट कर रही है कि जब हमारी ट्रेन लूप लाइन पे लगेगी तो फिर वो रवाना होगी।
जा रही है। मुलाकात होगी वो होगी 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस, देखते हैं वो कहां पर मौजूद है।
गाड़ी से चलने के बाद अब हमारी ट्रेन पहला स्टॉप करने जा रही है जो कि गुजरहान रेलवे स्टेशन है। तो 2 मिनट के लिए हमारी ट्रेन स्टॉप करेगी गुजरहान रेलवे स्टेशन पर। डिपार्चर विसल हो चुका है तो अब हमारी ट्रेन रवाना होगी गुजरहान रेलवे स्टेशन से। अब गुजरहान के बाद इसका अगला स्टॉप झेलम रेलवे स्टेशन होगा जो कि 45 से 1 घंटे के बाद आएगा।
अभी हमारी ट्रेन काला गुजरां की लूप लाइन पर लग रही है क्योंकि सामने से एक ट्रेन आ रही है। देखते हैं ये कौन सी ट्रेन है, और वो भी लूप लाइन पर आ रही है। इस बार फिर लूपिंग क्रॉस होगा काला गुजरां रेलवे स्टेशन पर। मेरे ख्याल में वो 45 है पाकिस्तान एक्सप्रेस, यहाँ इसकी सिस्टर ट्रेन 39 अब जाफर एक्सप्रेस होगी। इन दोनों ट्रेन में से कोई एक ट्रेन होगी, देखते हैं कौन सी ट्रेन होती है। वो भी लूप लाइन पर आ रही है। आ जाए लाहौर भाग ले। लाहौर लाहौर आया ये क्या शैमा आ रहा है, जाऊं जाना चाहिए सी यार कि जा रही है। आपकी डब्बा भी फाल्ट चलो तोर लो इन गुरु जी। तो दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन गलत निकली, ये पाकिस्तान एक्सप्रेस नहीं बल्कि हजारा एक्सप्रेस है जो कराची और हवेलियां के दरमियान चलती है। अभी जाफर एक्सप्रेस और हजारा एक्सप्रेस का क्रॉस हुआ है काला गुजरां रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों अब ट्रेन हमारी दूसरा स्टॉप करने जा रही है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के पास जो के है झेलम रेलवे स्टेशन। अब हमारी ट्रेन झेलम रेलवे स्टेशन पर स्टॉप करने जा रही है।
झेलम से आके आप खाड़ियाँ तक, हमारी ट्रेन की स्पीड 170 किलोमीटर तक रहेगी और खाड़ियाँ से फिर लाहौर तक 105 किलोमीटर तक हो जाएगी। तो दोस्तों 5 मिनट रुकने के बाद अब हमारी ट्रेन अगले स्टॉप के लिए रवाना हो रही है, जो कि लाला मसा जंक्शन है। और दैट्स ई U20 का चेक इन साउंड, इंजॉय करें आप। दरियाए झेलम जो है वो दरियाए झेलम रेलवे स्टेशन के बाद फिर आता है दरियाए झेलम।
दो झेलम से चलने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच रही है लाला मूसा जंक्शन पर, और लाला मूसा जंक्शन पर भी 2 मिनट का स्टॉप होगा। हमारी ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लिया जा रहा है लाला मूसा जंक्शन के। दोस्तों हमारी ट्रेन सेकंड लास्ट स्टॉप पर रही है जो कि गुजरात रेलवे स्टेशन है। इससे अगला स्टॉप है वो है आपके हमारी मंजिल यानी मुजीराबाद जंक्शन। मुजीराबाद जंक्शन तक ही और हमारा सफ़र जारी रहेगा 42 जावर एक्सप्रेस में। पाकिस्तान एक्सप्रेस से मुलाकात नहीं हुई, लगता है आज वो ट्रेन लेट है। Fuck.
तो दोस्तों आज का मेरा बड़ा वंडरफुल जर्नी रहा रावलपिंडी से लेकर जीराबाद जंक्शन तक दैट्स U20 के पीछे। हमारा सफ़र तो यहीं पर ख़त्म होता है लेकिन जाफर एक्सप्रेस का सफ़र अभी काफ़ी ज़्यादा बाकी है। इसने कल शाम 5 बजे के करीब पहुंचना है कोटा रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नई जर्नी के साथ और नए एक्शन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना भी ख्याल रखें और अपनों का भी। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और जर्नी कैसी लगी आपको ये भी बताना कमेंट में।